हेलो सिमरन अगेन तो आज मैं फिर से आ गई एक नया टॉपिक के साथ एक्चुअली नया टॉपिक नहीं है जो लास्ट टॉपिक था हमारा कि हाई पेइंग टेक जॉब्स के बारे में उस टॉपिक का ही पार्ट टू है ये तो इसमें हम लोग लास्ट डेट जिस जॉब्स के बारे में बात किए थे हाई पेइंग जॉब्स जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ए आई मैनेजर्स डिवॉप मैनेजर्स उसको छोड़ के और क्या टेक जॉब्स हो सकते हैं एंड उसके लिए क्या आ, स्किल्स हो सकता है क्या उसका पे कितना हो सकता है एनम आपका सैलरी कितना हो सकता है ये सब चीजों को लेके हम लोग बात करेंगे और आज अगर मेरा साउंड थोड़ा आपको डिस्टर्ब करे कि मेरा साउंड थोड़ा कम आ रहा है या कुछ भी वो आप थोड़ा मैनेज कर लेना क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा कुछ ठीक नहीं है थोड़ा कोल्ड है तो हो सकता है मेरा साउंड आज थोड़ा क्लियर ना हो सो so, बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक तो आज का पहला जो जॉब मैं बोलूंगी हाई पेइंग जॉब उस वो है कि फुल स्टैक डेवलपर आप सुने होंगे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो आप डेफिनेटली फुल स्टैक डेवलपर का नाम सुने होंगे तो मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट या डेवलपर ओके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक पार्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट तो फुल स्टैक डेवलपमेंट जो होता है मेनली उन्हें फ्रॉन्टेड में भी काम करना पड़ता है एंड बैकेंड में भी काम करना पड़ता है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फ्रॉन्टेड में काम कर रहे हो या फिर सिर्फ बैकेंड में काम कर रहे हो अगर आप फ्रॉन्टेड एंड बैकेंड दोनों काम कर रहे हो एंड उसके साथ साथ डेटा बेस में भी काम कर रहे हो तो इसे होल्डली एक फुल स्टैक डेवलपर बोल सकते हैं फुल स्टैक डेवलपर होने के लिए आपको जो फ्रॉन्टेड में जो नॉलेज चाहिए

उसी के ऊपर डिपेंडेंट करके वो एप चलता है या वेबसाइट चलता है उसे बैकएंड में काम बोलते हैं राइट एंडा बेस्ट तो वी नो ऑलरेडी अब हम लोग बात करते हैं स्किल्स के बारे में कि क्या स्किल्स चाहिए आपको तो अगर आप एज अ वेबसाइट डेवलपर काम करते हो एज अ फुल स्टैक डेवलपर तो आपको फ्रंटेड में जो स्किल्स चाहिए जिनके जिसके ऊपर आपको नॉलेज रहना चाहिए वो है एच डी एम एल सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट एंड बैकेट के ऊपर आप काम कर सकते हो पैथन यूज करके आप बैकेट के ऊपर काम कर सकते हो या जावा के ऊपर भी आप काम कर सकते हो डेटाबेस के लिए भी हम लोग मोगो डीबी एंड एसक्यूएल के जैसे टेक्नोलॉजी सीखते हैं एंड अगर आप एज अ ऐप डेवलपर काम करना चाहते हो फुल स्टैक डेवलपर तो आपको जावा स्क्रिप्ट के ऊपर भी आप अच्छा नॉलेज गैदर कर सकते हो तो ये गया स्किल्स के बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि इसका अपॉर्चुनिटी क्या होता है क्योंकि देखिए जो बड़े कंपनीज होते हैं वो उनको ये फुल स्टैक डेवलपर का बहुत ज्यादा जरूरत होता है एंड उसके साथ साथ अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है तो वो भी चाहते हैं कि उनका जो ऐप होता है या उनका जो वेबसाइट होता है वो डेवलप होते रहे ठीक है तो इसलिए फुल स्टैक डेवलपर का रिक्वायरमेंट जो होता है है वो बहुत ही ज्यादा होता है अगर आप बड़ा कंपनी में जाना चाहते हो तो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो अगर आप थोड़ा काम सीखना चाहते हो एज अ स्टार्टअप कंपनी में काम करते हुए तो वो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास होता है एज अ फुल स्टैक डेवलपर इसके साथ साथ इस फील्ड के लिए अगर हम लोग एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो एवरेज पैकेज सिक्स लाख पर एनम हम लोग का बोल सकते हैं लेकिन पैकेज इससे बहुत ज्यादा हो सकता है ये डिपेंड करता है आपके पास कितना स्किल है आपके पास कितना नॉलेज है कितना आप दिखा सकते हो अपने कंपनी को कि कितने आप इस चीज पे माहिर हो अब हम लोग अगर अपना सेकेंड जॉब के लिए जाए तो सेकेंड जॉब हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्लाउड आर्किटेक्ट तो क्लाउड आर्किटेक्ट कौन होते हैं क्लाउड आर्किटेक्ट मेनली जो होते हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए काम करते हैं तो कंपनी को ऑन डिमांड सर्वर प्रोवाइड करते हैं एंड कंपनीज वो सर्वर को uh, काम पे लगा के अपना डेटा के लिए कुछ काम करते हैं या कोई भी तरह का काम कर सकते हैं तो मेनली क्लाउड आर्किटेक्ट का जो काम होता है वो काम होता है कंप्यूट के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना एप्डिकेशन को डिप्लॉय करना क्लाउड के अंदर का जो एप्लीकेशन होते हैं उनको मोनिटर करना इस फील्ड का भी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा होता है बहुत बड़े बड़े कंपनीज एंड स्टार्टअप कंपनीज भी ये लिए इंटरव्यू रखते हैं एंड उन्हें हायर करते हैं एंड अगर, अगर हम लोग बात करते हैं कि इनका एवरेज uh, पैकेज क्या हो सकता है तो इनका एवरेज पैकेज जो हो सकता है वो सेवन लाख पर एनम होता है लेकिन ऑल्सो स्किल्स के साथ साथ इसका एवरेज पैकेज भी ऑब्वियसली बढ़ सकता है तो ये कुछ थे हाई पेइंग टेक जॉब्स के बारे में यानी पार्ट वन में भी कुछ जॉब्स के बारे में

फील्ड में ट्रेन करने के लिए एज अ फ्रेशर आपको इस मार्केट uh, में ग्रो करने के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नया वीडियो के साथ नया टॉपिक के साथ तो तब तक के लिए बाय